देखिए बेसिकली ट्रैफिक लाइट्स के साथ एक रडार भी आता है, वो रडार स्टडी करता है कि कितना ट्रैफिक कहाँ से फ्लो हो रहा है। मान लीजिए कि किसी एक रेड लाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव है और दूसरी रेड लाइट मान लीजिए बिल्कुल खाली पड़ी है, तो ऐसे में जो रेड लाइट है वो ऑटोमेटिकली विद इन 10 सेकेंड्स वो लाइट ग्रीन हो जाती है और सारा का सारा ट्रैफिक जो कहीं एक जगह पर कंजेस्टेड है तो वो अपने आप मूव कर जाता है। तो मैंने स्मार्ट सिटी से भी ये निवेदन किया है कि वो रडार हर एक लाइट में लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मेन चौक हैं, चौराहे हैं, वहाँ पर वो रडार लगाया जाए। इसके अलावा हमने एक अधिकारी को जो हमारा ACCC है वहाँ पर ही तैनात कर रखा है, जो कि लगातार ट्रैफिक के वॉल्यूम को स्टडी कर रहा है और उसी के हिसाब से अभी ऑलरेडी कुछ लाइट्स हमारी सिंक्रोनाइज हो चुकी हैं, तो हमारा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी सबको सिंक्रोनाइज कर लिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक के हिसाब से लाइट ऑटोमेटिकली बंद और खुले, तो वो धीरे धीरे आ जाएगा। तो जो रडार वाली मैंने बात कही है वो रडार भी ज़्यादातर रेड लाइट्स में लगाए जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।